हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला एज 30 अल्ट्रा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्वाइप लॉक को कैसे सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। और इस स्वाइप लॉक सेटिंग जो है सेट करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे और आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के इस ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी के इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक का ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन लॉक पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक के इस पेज में आपको स्वाइप का ये ऑप्शन मिल जाएगा, स्वाइप के इस ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन लॉक के नीचे स्वाइप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका स्वाइप लॉक इस तरीके से इजीली सेट हो जाता है आपके मोबाइल फोन पे, ठीक है। अब ये स्वाइप लॉक जो है सेट होने के बाद आपके मोबाइल फोन पे ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को लॉक करेंगे और फिर स्क्रीन को ऑन करेंगे तो आपको इस तरीके से स्वाइप लॉक लगा हुआ दिखाई देगा आपके मोबाइल फोन पे, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको जो है अपनी उंगली को जो है नीचे की साइड से ऊपर की साइड में स्लाइड करना है, इस तरीके से करना है तो आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्वाइप लॉक सेटिंग जो है सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोटरोला एज 30 अल्ट्रा एंड्रॉयड मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। आपको करना क्या है, मोबाइल का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। और आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सर्च सेटिंग पे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है स्क्रीन लॉक आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आपको नीचे की साइड में स्क्रीन लॉक का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा नीचे की साइड में तो इसे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को इस तरीके से हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रीन लॉक पर सिलेक्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज में आप स्वाइप लॉक को आप जो है इजिली सेट कर पाएंगे, ठीक है।